अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसमें ये दिक्कत हो रही है कि ये जो गाड़ी है ये चलते चलते बंद पड़ गई और दोबारा जो है स्टार्ट नहीं हुई। इसमें चेक लाइट जो है वो आ रहा, तो इसको हम लोग स्कैन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। उस हिसाब से फिर हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम था और हमने इसे कैसे सॉल्व किया। इसमें आप देख सकते हो कि ये सारे फॉल्ट कोड जो है ये आया हुआ है, P183F, P1832। ये जो कोड है ये इमोबिलाइज्ड हो जाती है तब ये कोड आता है गाड़ी में। और आप देख सकते हो रेल प्रेशर से भी रिगार्डिंग फॉल्ट कोड आया हुआ है इसमें, कि क्रैंकिंग करते टाइम रेल प्रेशर जो है बहुत कम बन रहा है। ये आप देख सकते हो, ये भी रेल प्रेशर से रिलेटेड फॉल्ट कोड है, P1254। और भी काफ़ी कोड इसमें आया हुआ है। तो अब हम लोग इस फॉल्ट कोड को जो है क्लियर कर लेते हैं और दोबारा एक बार चेक करते हैं। ये आप देख सकते हो अब कोई फॉल्ट कोड जो है वो नहीं आ रहा। अब हम लोग देख लेते हैं कि गाड़ी जो है वो हमारी इमोबिलाइज तो नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा। अब इमोबिलाइजर में जाके चेक करते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हो इसमें भी दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब ये क्लियर हो गया है, यहाँ भी नो ट्रबल कोड आ रहा है। इंजन में भी देख लेते हैं कोई फॉल्ट कोड आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी नो ट्रबल कोड आ रहा है। जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हो इसमें आपको ट्रबल कोड नहीं आ रहा और इसका जो चेक लाइट है वो भी अब चली गई है। बट जब हमने इसको दोबारा क्रैंकिंग किया तो इसमें जो है रेल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हमने इसका मोटर चेक किया, क्योंकि चाबी ऑन करने से उसमें फ्यूल आता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो इसमें फ्यूल आता है, ऐसे ही इस गाड़ी में भी फ्यूल आ रहा था और आप रेल प्रेशर जो है वो ज़ीरो बन रहा था। रेल प्रेशर को आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो, ऐसे आप मीटर को लगा के, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद हमने इसका पंप को खोला, ये आप देख सकते हो इसका पंप भी जो है वो बिल्कुल ओके है। अब प्रॉब्लम कहाँ मिली वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने इसका पंप खोला तो पंप जो है वो बिल्कुल ओके निकला। तो अब हम जो है हम लोग दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ मिली। तो इसका जो पूरा पंप असेंबली है उसको हम लोग निकाल के आपको दिखाते हैं। ऐसे इसके पंप से जो है क्रैंकिंग करते टाइम फ्यूल जो है नहीं आ रहा था, रेल प्रेशर ज़ीरो बन रहा था। तो इस कंडीशन में इंजेक्टर तो ख़राब नहीं हो सकते। कई बार इन गाड़ियों में क्या होता है, डेल्फी के इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं जिस वजह से भी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हो ये हमने पूरा इसका पंप असेंबली निकाल दिया है और ये आप देखो इसका जो रोलर है उसकी क्या हालत हो गई है, जिस वजह से जो है गाड़ी जो है चलते चलते बंद पड़ गई। अब मैं आपको इस पंप को खोल के दिखाता हूँ कि इसमें इसके रोलर और कैम की क्या कंडीशन हुई, जिस वजह से फ्यूल जो है वो सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहा था और हमारा जो रेल प्रेशर है वो ज़ीरो दिखा रहा था और गाड़ी इसी कारण स्टार्ट नहीं हो रही थी और चलते चलते बंद पड़ गई। या आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसके रोलर और कैम की क्या हालत हो गई। ये आप देख सकते हो उसका कैमसेप्ट हमने निकाल दिया है, ये आप देखो इसके कैमसेप्ट की हालत, और इसका जो रोलर है ये अंदर ही फंसा हुआ है और ये टूट गया है। ये आप देखो इसका कैम जो है ये डैमेज हो गया और इसका रोलर जो है टूट गया है। अगर ये कैम और रोलर सही से काम नहीं करेगा तो हमारा जो पंप का प्लंजर है वो फायर नहीं कर पाएगा, यानी कि वो फ्यूल सप्लाई सही से कर ही नहीं पाएगा, जिस वजह से गाड़ी में फ्यूल की सप्लाई जो है वो इंजेक्टर तक नहीं हो पाएगी और गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट नहीं होगी। और इस कंडीशन में वही कोड आएगा आपका फ्यूल रेल प्रेशर, ये आप देख सकते हो ऊपर ये वाला कोड आएगा, यानी कि क्रैंकिंग करते टाइम गाड़ी में जो है रेल प्रेशर टू लो, ये कोड आएगा। अब जो है अब हमने इस गाड़ी में न्यू पंप असेंबली जो है वो लगा दिया है। अब हम इसको जो है टाइट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। प्रॉब्लम थी इसके पूरे पंप असेंबली में, तो अब हमने असेंबली तो नहीं लगा दी है। ये आप देख सकते हो इसका फ्यूल मोटर तो ओके था, तो इसमें से फ्यूल जो है वो आ रहा है। अब इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं।
इसमें जो है आपको इंजेक्टर से एयर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी जो है आपकी ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको स्टार्ट करके। ये हम लोकल डायग्नोस में जाएंगे, एक बार इसको दोबारा हम लोग स्कैन करके देख लेते हैं कि कोई फॉल्ट कोड इसमें आ तो नहीं रहा। ये गाड़ी जो है हमारी पैसेंजर कार में स्कॉर्पियो S2 है, तो उसमें जाएंगे, स्कॉर्पियो सेलेक्ट करेंगे, ये फिर S2, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, फॉल्ट कोड देख लेते हैं। इसमें आ रहा मीटरिंग यूनिट ओपन लोड एरर, तो इसका जो है पंप हमने खोला था जिस वजह से ये कोड आ रहा है, तो अब लगा दिया तो इसलिए कोड जो है वो हमारा क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं, उससे पहले एक बार इमोबिलाइज़र का भी कोड देख लेते हैं, यहाँ भी कोई ट्रबल कोड नहीं आ रहा। और इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो कोई ट्रबल कोड नहीं आ रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रेल प्रेशर जो है वो कितना बन रहा है। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब इसका रेल प्रेशर जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमने क्रैंकिंग किया और आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई। इसका जो रेल प्रेशर है वो भी सही बता रहा है, 280-270 के आसपास रहता है, किसी किसी गाड़ी में आपको 290-300 बार के आसपास मिलेगा। गाड़ी जो है वो अब हमारी प्रॉपर ओके हो गई है और इसमें आपको ट्रबल कोड भी नहीं आ रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये देख सकते हो इसका जो रेल प्रेशर है वो सही बन रहा है और एक्सीलेटर पैडल वगैरह भी सही से काम कर रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कोई ट्रबल कोड जो है वो अब नहीं आ रहा है, नो ट्रबल कोड दिखा रहा। अब इसको हम लोग बाहर से भी एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि गाड़ी जो है वो हमारी प्रॉपर अब स्टार्ट हो रही है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।